सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए दिन की नई शुरुआत करने के लिए सुबह की प्रार्थना हरे के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। मत्ती रची सुसमाचार अध्याय 6 वचन 24 से। मत्ती रची सुसमाचार अध्याय 6 वचन 24 से आइए देखते हैं। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह ना चिंता करना। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है जिसमें यीशु मसीह परमेश्वर और धन दोनों के विषय में लोगों से बात करते हुए कहता है, अपने चेलों से कहता है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं करना चाहिए। किसी मनुष्य को दो स्वामियों की सेवा नहीं करना चाहिए क्योंकि वह कर ही नहीं सकता। यीशु मसीह ने कहा कि कोई व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि वह एक से बैर करेगा तो दूसरे से प्रेम करेगा। क्योंकि वह एक से बैर करेगा तो दूसरे से प्रेम रखेगा और एक से मिला रहेगा तो दूसरे को तुच्छ जानेगा। कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह दो स्वामियों की सेवा करना चाहता है तो वह नहीं कर सकता क्योंकि वह एक से मिला रहेगा तो दूसरे से बैर करेगा, एक से प्रेम करेगा तो दूसरे को तुच्छ जानेगा। इतनी बातें कहते हुए यीशु मसीह ने कहा, उन्हें सही सही बातें उनके सामने प्रकट करते हुए कहा, देखो तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। कहता है कोई व्यक्ति दो स्वामियों की, क्योंकि संसार का स्वामी धन है और जो आत्मा का स्वामी अर्थात आत्मिक जीवन का जो स्वामी है वो परमेश्वर है। तो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की सेवा और धन की सेवा दोनों नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति धनवान या धन के पीछे और परमेश्वर के पीछे, दोनों के पीछे नहीं दौड़ सकता क्योंकि वह एक से मिला रहेगा तो दूसरे को तुच्छ जानेगा, एक से प्रेम करेगा तो दूसरे से बैर करेगा। अगर परमेश्वर से प्रेम करता है तो वह धन को तुच्छ जानेगा, अगर धन से प्रेम करता है तो परमेश्वर को तुच्छ जानेगा, परमेश्वर को मानता नहीं देगा। इसीलिए प्रभु यीशु ने चेता कर कहा है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि एक से मिला रहेगा दूसरे से बैर करेगा। कोई भी व्यक्ति धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, यीशु मसीह ने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना। कहता है इसीलिए मैं चेता रहा हूं कि तू अपने प्राण के लिए चिंता, अपने से चिंता मत करना। कहता है अपने प्राण के लिए ये चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और अपने शरीर पे क्या पहनेंगे। कहता है तुम खाने पीने और पहनने की चिंता मत करना।
अगर तुम खाने पीने पहनने की चिंता करोगे तो तुम परमेश्वर से दूर हो जाओगे। अगर परमेश्वर की चिंता करोगे तो ये खाने पीने की चीजें जो है उससे दूर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आगे वचन में उसने कहा है कि क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। उसने सवाल किया है कि मुझे ये बताओ कि क्या प्राण भोजन से बढ़कर नहीं, शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। कहता है तुम्हारा प्राण भोजन से बढ़कर नहीं है या तुम्हारा शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। तुम अपने शरीर के लिए भोजन की चिंता क्यों करते हो, पानी की चिंता क्यों करते हो और वस्त्र की चिंता क्यों करते हो? क्योंकि जो तुम्हारा प्राण है ना, जिसने जो तुम्हारे प्राण का रखवाला है, जो तुम्हारे प्राण को बचाना चाहता है, स्वर्ग में लेकर जाना चाहता है, वह परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा प्राण भोजन से बढ़कर नहीं है। तुम जिस भोजन के पीछे भाग रहे हो, भोजन के चक्कर में अपने प्राण की चिंता छोड़ दे रहे हो, क्योंकि तुम इस संसार की चीजों के पीछे दौड़ रहे हो और प्राण की चिंता छोड़ रहे हो। कहता है तुम्हारा शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। कहता है कि इस शरीर को जिसने परमेश्वर तुम्हें दिया, तुम इस शरीर की चिंता न करके तुम इस शरीर के वस्त्र की चिंता करते हो। तुम प्राण की चिंता न करके तुम भोजन की चिंता करते हो। तो इसीलिए कहता है कि अगर तुम संसार की चीजों की चिंता करोगे तो तुम परमेश्वर के बैरी बन जाओगे। अगर परमेश्वर की चिंता करोगे तो तुम इस संसार की खाने पीने पहनने की जो चीजें हैं उससे दूर हो जाओगे, उससे बैर करोगे, उसके लिए तुम ललायत नहीं होगे। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम परमेश्वर की चिंता करोगे और परमेश्वर के पीछे चलोगे तो ये संसार की जो खाने पीने और पहनने की चीजें हैं ना, वो तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे साथ दौड़ना चालू करेंगी। आमीन, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इस खाने पीने और पहनने की चिंता नहीं, आप धन की चिंता मत करिए, क्योंकि ये नाशवान है, ये खुद नष्ट होगा और आपको भी नष्ट कर देगा। आप परमेश्वर की चिंता करिए। अगर परमेश्वर की चिंता करोगे तो आपके प्राण बचेंगे और जो आपकी शरीर है ना, वह शरीर जो नाशवान है ना, वह अविनाशी बनाई जाएगी, तुम्हारे प्राणों की रक्षा होगी। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा परमेश्वर के पीछे दौड़ो ताकि वह परमेश्वर आपके जीवन की सारी जरूरतों को पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, जरूर है कि प्रभु आपको अपने आशीषों में ढांप कर रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है यीशु राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता है। जितने भी लोग प्रार्थना को सुनने वाले हैं, आज हर एक के जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने दे प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, इनके सारे पाप सारे गुनाहों को क्षमा करके इनके ऊपर अपनी दया दृष्टि को डाल मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में जितने भी दुख है, जितनी भी विपत्तियां हो, सारा दुख सारी विपत्तियां इनके जीवन से खत्म होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने बीमार व चंगे हो जाए, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, छुटकारा पाए हे परमेश्वर, जितने रोजी रोजगार के तलाश में उन्हें रोजगार मिले, जितने नौकरी के तलाश में नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए। मेरे महान परमेश्वर, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं, वो पढ़ाई लिखाई करने वाले वो अच्छे वहदे पर जाए, उन्हें अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि प्राप्त होने पाई, ये बुराई को त्याग कर भलाई का मार्ग धारण करे। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जिसके आंखों में बीमारी हो, आंख की बीमारी निकल जाए, मस्तक में तो मस्तक की बीमारी निकल जाए, जिसके नाक में कोई बीमारी हो तो नाक की बीमारी निकल जाए, मुंह में तो मुंह की बीमारी निकल जाए, गले में तो गले की तकलीफें निकल जाए, सीने में कोई सीने में अंदरूनी बीमारी हो तो यीशु के नाम से खत्म हो जाए, पेट के अंदर की अंदरूनी बीमारियां निकल जाए, कमर की तकलीफें निकल जाए, घुटने की तकलीफें निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी, दमा, एचआईवी, टीबी, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जगह में सूख जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी होने पाए, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ, किडनी खराब हो तो चंगी होने पाए,
प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि जिसके शरीर में अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी तो निकल जाए, फाइलेरिया थायराइड की बीमारी निकल जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट हो जाए, हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार हो तो चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्रोत फीलिया की बीमारी निकल, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ, लहू पानी की बीमारी तुम्हारे शरीर से निकल जाए। जिसके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। जिसके पास कोई संतान न हो, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ, जिसके पास संतान नहीं उन्हें संतान की आशीष मिले। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में तो अपनी महिमा की आशीष भर दे, ताकि इनके घर परिवार, रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस व्यापार पे आशीष मिले, बढ़ोतरी बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति मिले। जिसके पास कोई रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी की तलाश में नौकरी मिले, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर प्रार्थना करते, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में जितनी आवश्यकता, जितनी जरूरतें वो पूरी होने पाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, जितने तेरे सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनके सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए। हे परमेश्वर जितने भी अगुए हैं प्रभु, जितने भी तेरे दास और दासियां प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते पिता, जितने तेरे सेवा करने वाले हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने आत्मा के द्वारा और आत्मा के ज्ञान बुद्धि दान वरदानों से निर्भर, ताकि तेरे आत्मिक सेवाओं में वो जुड़े रहे और सच्चे दिल से तेरे सेवकाई करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ हर एक के साथ, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे। प्रभु तेरे वचन में लिखा गया कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई भी पत्ते तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर प्रार्थना करते हुए स्वर्ग दूतों को उनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे, शरीर में जितने दुख दर्द पीड़ाएं, जितनी परेशानियां बिल्कुल नष्ट हो जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। और महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे। प्रभु हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।